न्यूज़पत पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में हमारा आज का मुद्दा है कि आपके महंगे किराए से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर कई बार लोगों की शिकायतें सामने आती हैं। लेकिन हाल ही में बेंगलुरु में कैब के भारी भरकम किराए का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक यूजर ने ट्विटर पर उबर कैब के किराए का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जो कुछ ही देर में वायरल हो गया। यूजर के मुताबिक उसने बेंगलुरु एयरपोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन उबर ऐप पर दिखाए गए किराए को देखकर उसके होश उड़ गए। यूजर ने बताया कि लगभग 53 किलोमीटर की दूरी का कैब किराया उसकी फ्लाइट के किराए के करीब था। स्क्रीनशॉट के मुताबिक उबर प्रीमियम का किराया 2500 रुपए से अधिक और कैब और उबर एक्सेल का किराया 4000 रुपए से ज्यादा था। 23 मई को वायरल हुए ट्वीट के बाद बेंगलुरु में रीजनल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हरकत में आया और उबर को नोटिस जारी कर दिया। उबर और ओला जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों पर आरोप लगता है कि वो सर्ज प्राइसिंग के नाम पर ग्राहकों को बहुत ज्यादा लूटती हैं, उनसे पैसा वसूलती हैं। और यही वजह है कि महंगे किराए को लेकर कैब एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी के खिलाफ कई शहरों में लोगों की शिकायतें सामने आती रहती हैं। बेंगलुरु का ताजा मामला सामने आने के बाद हमने कुछ लोगों से बात की, उनकी राय और उनका अनुभव जानने की कोशिश की। अभी आपने ये महसूस किया है कि जो प्राइवेट कैब्स हैं, उबर है या दूसरे हैं, कम दूरी के लिए भी बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं? हाँ, जैसे कि अभी पुणे में हम लोग रहते हैं, तो पुणे में हमारा जो हाउस है वहाँ से एयरपोर्ट का डिस्टेंस नियर अबाउट 10 किलोमीटर है। इस 10 किलोमीटर के लिए आपको 500 रुपीज पे करना पड़ता है, तो इतने कम 10 किलोमीटर के लिए 500 रुपए। अच्छा। 10 किलोमीटर के लिए आपको 500 रुपए पे करना पड़ता है, तो ये ज्यादा बहुत ज्यादा अमाउंट होती है। तो इसके ऊपर कुछ पाबंद लगाना चाहिए कि ये कम से कम डिस्टेंस में कितना पे करना चाहिए। ऐसा कभी लगता है कि कभी कभी ये कैब वाले एयरपोर्ट के नाम पे या फिर मॉल में जहां आप महंगी जगह जा रहे हो तो उसके नाम पर भी आपके चार्जेस बढ़ा देते हैं? हाँ, ऐसा तो होता है काफी दफा कि जहाँ जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वहाँ पर अगर किसी को जाना हो तो वहाँ कभी कभी वो ज़्यादा पैसे भी ऑटोमेटिकली आपको देना पड़ता है। जो उनका जो सॉफ्टवेयर होता है वो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली कुछ ज़्यादा ही पैसे आ जाते हैं। कैब बुक करते हैं, क्या लगता है कि दूरी बहुत कम है और पैसे बहुत ज़्यादा मांगे? लगता है, लेकिन कभी कभी हमारे पास टाइम कम होता है तो हम लोगों को वो एडजस्ट कर लेना पड़ता है। उसका रूल बनाना चाहिए कुछ तो, कि अगर मिनिमम डिस्टेंस के लिए कितना रेट होना चाहिए, पर इंक्रीज के लिए कितना बढ़ना चाहिए, उसका कुछ रूल बनाना चाहिए। जैसे प्राइवेट कंपनीज है तो उनके लिए भी कुछ तो पाबंदियां लगानी चाहिए। क्या होना चाहिए सर कि कैब के भी क्या रेट्स फिक्स हों कि भाई इतने डिस्टेंस पर आप इतने ही पैसे ले सकते हैं कोई भी हो आप? इसमें ऐसा है कि आप अगर कैब बुक कर रहे हो तो ये बड़ों के लिए ही होगा, ऐसे होता है। आम पब्लिक के लिए सुविधा ना हो ऐसे गवर्नमेंट चाहती है। कम खर्चे में लोग अगर यातायात का सुविधा ले पाए तो सबके लिए अच्छा है।